एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 72 ट्रांसफॉर्मर का क्या कह रहा है, जरा देख लेते हैं, इसकी भी रील बनाते हैं। हमसे कह रहा है ट्रांसफॉर्मर ऑफ 100% एफिशिएंसी। 100% एफिशिएंसी का मतलब क्या होता बताएं? 100% एफिशिएंसी का मतलब यह होता है कि ट्रांसफॉर्मर एक आइडल ट्रांसफॉर्मर, किसी तरह कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, आइडल ट्रांसफॉर्मर है। हमसे कह रहा है 200 टर्न्स इन द प्राइमरी, प्राइमरी के अंदर 200 है, एंड 40,000 टर्न्स इन द सेकेंडरी, और सेकेंडरी जो है उसमें 40,000 हैं। तो बताओ सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा, प्राइमरी के मुकाबले सेकेंडरी में ज़्यादा, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप वोल्टेज भी प्राइमरी के मुकाबले सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। अब कितना गुना ज़्यादा होगा, जरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो का आइडिया लगाओ। आपको पता है कि प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न कितने दे रखे हैं, 200, सेकेंडरी के अंदर कितने हैं, 40,000। तो 40,000, 200 का 40,000 जो हो गया वो 200 गुना हो गया, तो इसका मतलब 200 गुना ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो को। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आ जाएगा 200। हमसे कह रहा है इट इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एसी। 220 वोल्ट एसी से हमने इसको कनेक्ट किया, तो इनपुट वोल्टेज आपके पास 220 वोल्ट है, तो सेकेंडरी पर वोल्टेज कितनी होगी, 220 का 200 गुना करो तो ये हो जाएगा 44,000। तो 44,000 वोल्टेज आपको सेकेंडरी मिल जाएगी। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न। ओहो, पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने बता दिया 44,000, लेकिन पर टर्न का मतलब ये है कि आपको नंबर ऑफ टर्न से भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न कितने सेकेंड में, 40,000, तो 44,000 को 40,000 से डिवाइड करके देखो तो आपके पास लगभग 1.1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा, साथ में ये भी पूछा है कि पावर डिलीवर टू द लोड, लोड पर पावर बता दो। पावर क्या होती है, लोड का वोल्टेज, लोड की करंट। चलो देख लेते हैं किस तरह सॉल्व करना, लिखेंगे सॉल्यूशन। इजी है, इजी है, गिवन दैट क्या क्या आपको दे रखा है, जल्दी से बताएं। हमसे कह रहा है ट्रांसफॉर्मर ओ 100% एफिशिएंसी, शाबाश, हैज 200 टर्न्स इन द प्राइमरी, ओहो हो, N1 दे रखा आपको 200, शाबाश। आपसे कह रहा है सेकेंडरी के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न हो गए, 40,000, जबरदस्त। तो यहां से हमसे कह रहा है इट इज़ कनेक्टेड टू, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकालो, ये होता है N2/N1। N2 कितना है आपके पास, 40,000, शाबाश, N2 लिख दिया आपने। N1 कितना, 200, 20 से 20 कट के 400 का आधा हो गया 200। मैंने पहले ही बताया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना आ गया, 200। अब ये बताएगा कि वोल्टेज भी 200 गुना बढ़ेगी, तो आपको पता है कि इनपुट पर वोल्टेज आपने कितनी लगा रखी है, जल्दी से बताएं, 220 वोल्ट एसी, 220 वोल्ट। तो आउटपुट पर वोल्टेज आपको अच्छे से पता है, E2 जो हो जाएगा, आउटपुट पर वोल्टेज जो हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो के साथ मल्टीप्लीकेशन। प्राइमरी पर वोल्टेज लगा रखी है आपने 220 और ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आपके पास 200, 44, 30 ऐसे रह जाएंगे, तो 44,000 आपको मिल जाएगा सेकेंडरी पर वोल्टेज। लेकिन फर्स्ट पार्ट के अंदर देखें, आपसे पूछ रहा है आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, तो इसका मतलब आउटपुट पर आपको पोटेंशियल डिफरेंस तो मिल गया, लेकिन पर टर्न निकालना आपको, तो आपको कहना है पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, एक एक टर्न पर कितना आ रहा होगा, क्योंकि आपको पता है ना जितने ज़्यादा टर्न होते हैं उतने ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता, तो पर टर्न बताना, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न तो यही हो जाएगा आउटपुट पर। तो ये आपके पास है 44,000, इसको आप डिवाइड कर दोगे 40,000 से, तो देखो ये 30 से 30 कट गए, तो 44 की 40 से आप डिवाइड करेंगे तो 4×4 तो ये आपके पास आ जाएगा 1.1 वोल्ट पर टर्न। तो आपसे एक चीज़ पूछी थी वो आपने बता दी, 4×4 1.1 वोल्ट, बिल्कुल सही है। एक तो ये पूछा था, दूसरा पूछा आपसे पावर डिलीवर टू द लोड, अब लोड देखो, लोड है कितना, ये है 100 रेजिस्टेंस, मीन्स द सेकेंडरी फीस टू 100 रेजिस्टेंस। ये 100 नहीं है गाइज, ये 100 किलो ओम है, ये 100 किलो ओम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है पावर डिलीवर टू द लोड, तो आप लिखेंगे पावर डिलीवर्ड टू द लोड, लोड पर पावर डिलीवर्ड कितनी होगी, तो आप कहोगे पावर जो होती है वो लोड का वोल्टेज और लोड की करंट, कोई दिक्कत नहीं है। लोड का वोल्टेज आपके पास है क्या, हाँ है, E2 आपके पास है, E2 आपके पास है, लेकिन I2 नहीं है, करंट का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ना प्राइमरी का ना सेकेंडरी का, तो करंट को तो खत्म करेंगे, और करंट जो होगा सेकेंडरी पर वो उसकी वैल्यू होगी सेकेंडरी का वोल्टेज अपॉन सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, यही तो होगा, बिल्कुल सही। E2 की वैल्यू आपको पता है, E2 जो निकल कर आया था आपके पास 44,000 आया था, तो रख दो,
44,000 के 44,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से 44,000 × 44,000 और रेजिस्टेंस कितना 100 किलो ओम, किलो का मतलब होता है 1000। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो तो ये ख़त्म, 2 जीरो से 2 जीरो ये ख़त्म हो गए, तो 44 × 44 × 10 ये आया। 44 का स्क्वायर निकाल लो, 44 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 का 6 हाँ से लगे 1 4 चौक 16 17, तो 44 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 176 आ गया, तो फिर 176 यहाँ भी आ जाएगा 6 और 7 6 3 हाँ से लगे 1 7 और 1 8 9 1936, तो ये आ जाएगा 1936 जीरो ऐसे ही। तो आप इसको कह सकते हैं 19.36 किलो वाट, यही है ना लोड पावर, पावर तो 19.36 किलो वाट आ जाएगी। तो आपको पावर डिलीवर्ड भी निकालने की नहीं आ गया, और आपसे ये पूछा था पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्न, तो आपने दोनों चीज़ें बता दी बिल्कुल सही है। तो भाई आप इसी तरीके से लगाए जाओ, वीडियो को शेयर कर दो दूसरे लोगों तक।